अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, एक दो दिनों में इंशाल्लाह ईद हो गई। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी लोगों की तरफ से कि ईद पर हम लोग अपनी डाइट को किस तरह मैनेज करना है, एक हेल्दी वे में इसको किस तरह लेकर चलना है। तो बेसिकली आप लोग में से काफ़ी लोग इस तरह के होंगे जो पिछले एक दो मंथ से हेल्दी रूटीन पर होंगे, हेल्दी डाइट पर होंगे, और वो ये चाह रहे होंगे कि कहीं ईद पर वो लोग बहुत ज़्यादा ना खा लें, उनकी सारी प्रोग्रेस ख़राब ना हो जाए। और काफ़ी लोग शहजादे लोग इस तरह के भी होंगे जिन्होंने रमज़ान में डट कर सहरियाँ अफ्तारियाँ किया, नाउ दे वॉन्ट कि कहीं ईद पर भी वो इतना ज़्यादा ना खा ले कि उनका वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी वन, एंड आई होप कि अगर आप लोग इन पॉइंट्स पर जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी इनको फॉलो करेंगे तो ईद पर कभी भी आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सो पूरी वीडियो देखेगा, एंड तक देखेगा। ठीक है, अच्छा अब इस तरह है कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि ईद वाले दिन भी आप लोग वेट स्केल निकाल के बैठ जाएं और अपने कार्ब्स को मेजर करें और प्रोटीन्स को मेजर करें कि ये प्रोटीन इतना है, ये चावल जो है 120 ग्राम का, नहीं, आई डोंट वांट दिस, बिकॉज ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। और ईद वाले दिन अच्छा भी नहीं लगता कि ईद वाले दिन भी, अब तीन दिन तो रिलैक्समेंट के होते हैं, उस दिन भी हम ये वेट स्केल पर हर चीज़ को मेजर करें। ठीक है, तो नो, आई डोंट वांट दिस। और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा खा लें ईद वाले दिन में, बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए ताकि आपकी सारी प्रोग्रेस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो इन अ मिडल वे, हमने एक बीच का रास्ता निकालना है। ठीक है, ईद पर बेसिकली क्या होता है, दावतें होती हैं, ये गेट टुगेदर्स होते हैं, और उसमें ऑफ कोर्स बात है आप लोगों ने वेट स्केल भी नहीं निकालना, हर चीज को ट्रैक भी नहीं करना, तो हमने किस तरह इसको लेकर चलना है। आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट्स, फोर पॉइंट्स। ठीक है, आप उनको अपने माइंड में रखिएगा और इंशाल्लाह उसके बाद कभी भी आपका जो है ना प्रोग्रेस खराब नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जो ईद वाला दिन है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में एक ट्रेंड है कि ईद का आगाज़ जो है वो ईद उल फितर का आगाज़ हम लोग हमेशा शीर कौरमा या किसी मीठी डिश से करते हैं। सो वो जो मीठी डिश है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। हाफ टू वन कप आप शीर कौरमा या कोई भी और मीठी डिश बन के आप ले लिया करें। ठीक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 300 to 400 कैलोरीज होंगी, लेकिन वो लेने में कोई मसला नहीं है। ऑफकोर्स बात है पहले दिन लेना होता है, दैट्स अ ट्रेडिशन एंड दैट्स गुड। ठीक है, वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, तो ये इस पे परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने अपने लिए कोई स्पेसिफिक मील्स नहीं बनाने कि आज मैंने अब मेरे डाइट प्लान में ये लिखा हुआ है, मैंने ये लेना है या मैंने यही खाना है। जो भी आप जिस तरह की भी डाइट करें, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप जो भी डाइट करें उसमें जो स्पेसिफिक मील्स आपने वो नहीं लेनी, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। ठीक है, प्लीज़ ईद के दिनों में नहीं करना आपने ये, तो आपने अपने लिए स्पेसिफिक मील्स नहीं बनाने। तीसरी बात आ जाती है, अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपके घर में जितना भी बन रहा है, जो भी बन रहा है, चावल रोटी सालन जितना भी बन रहा है, यू हैव टू टेक दिस। ठीक है, आपने हर चीज़ लेनी है बट इन मॉडरेशन। ठीक है, और मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करती हूँ कि आप सब खा सकते हैं। मैं कभी अपने क्लाइंट्स को भी मना नहीं करती हूँ, मुझे आके कहते हैं ना कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना है, तो मैं उनको कभी मना नहीं करती, बट मैं उनको एक तरीका बता देती हूँ कि आपने किस तरह खाना है। ठीक है, सो आपने हमेशा जब भी मील वगैरह ले रही हो ईद के दिनों में स्पेसिफिकली, तो आपने उसको पोर्शन साइज में खाना है, मॉडरेशन में खाना है। ठीक है, पोर्शन साइज में किस तरह खाना है, फॉर एग्जांपल आपके घर में चावल रोटी सालन बने तो आप एक बड़ी प्लेट ले लें, उसमें एक पोर्शन चावल का ले लें, साथ में आधी रोटी ले लें, साथ में आप सालन ले लें, और उसके बाद अगर कोई स्वीट डिश भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, 4 to 5 टेबल स्पून स्वीट डिश के भी ले लें। ठीक है, लेकिन एक्सेसिवली ओवर ईटिंग नहीं करनी कि आप 1 to 2 कप स्वीट डिश के ले रहे हैं या 2-2 प्लेटें चावलों के खाने। ठीक है, ये काम नहीं करना, एक्सेसिवली ओवर ईटिंग नहीं करनी। चौथा पॉइंट आ जाता है कि आपने अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल आप ईद वाले दिनों में थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ही खा रहे होंगे, तो आप लोग इस ओवर स्ट्रेस में नहीं जाना कि अब तो मेरा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया तो मैं क्या करूँगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा अगर तो आप पोर्शन साइज और मॉडरेशन में खाएंगे। ठीक है, भूख रख कर खाना है, सिंपल वे ये उर्दू में बता देते हैं, भूख रख कर खाएं। अगर आप ये करना आपको आ गया ना, सीख गए आप, तो इंशाल्लाह आपका वेट उसके बाद कभी इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, लास्ट थिंग कि ये जो रूटीन मैंने आपको बताई है कि आपने सब खाना है, पोर्शन साइज में खाना है, मॉडरेशन में खाना है, ये सिर्फ ईद के 3-4 दिन है। ठीक है, ईद के 3-4 दिन बाद यू हैव टू कम बैक टू ये रूटीन, जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, जो भी हेल्दी डाइट आपकी, यू हैव टू कम बैक ऑन दैट। अगर आप उसके ईद के बाद भी उस हेल्दी रूटीन पर नहीं आते, तो ऑफकोर्स ये बात है फिर आपका वेट इंक्रीज होगा, फैट भी इंक्रीज होगा, तो ये काम आपने नहीं करना। ये सिर्फ आपको जो रिलैक्समेंट दी है कि आप जो मर्जी खा लें, अपनी पसंद का खा लें, इनफैक्ट अपनी पसंद की डिशेज बनवाएं घर में, लेकिन खाएं पोर्शन साइज में खाएं। ठीक है, तो ये रिलैक्समेंट सिर्फ ईद के 3-4 दिन है, इसके बाद आपने अपनी नॉर्मल हेल्दी रूटीन पे आ जाना है। अगर आप लोग में से किसी की हेल्दी रूटीन नहीं है तो वो भी हेल्दी रूटीन पे आ जाए। ऑफकोर्स ये बात है, देखिए आप लोग, हम लोग ना बेसिकली हमारे जो मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो तब परेशान होते हैं जब उनकी रिपोर्ट्स में आ जाते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी हो गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बीपी हाई हो गया, मुझे बताएं मैं क्या खाऊं।
आपका जब बीपी हाई नहीं था तब अगर आप इसका थोड़ा सा केयर कर लेते तो ये कभी भी इस सिचुएशन में नहीं आता। आप लोग खुद अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, हर तरह से अनहेल्दी लाइफस्टाइल को गुजार रहे हैं, और जब कोई कंडीशन आ जाती है, जब कोई मेडिकल हेल्थ इशू आ जाता है, तब आप लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं। तो ये काम ना किया करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। पहले ही ख्याल रखा करें अपने डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का, अपने हेल्थ का। इनफैक्ट मेरे काफ़ी इस तरह के भी मुझे डीएम्स आए थे, उनको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, हर तरह से आ रहे हैं, लेकिन दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ। डॉक्टर के पास भी नहीं जाते कि नहीं ठीक हो जाएगा खुद ही। जब तक उनको कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आता ना, जब तक उनके प्रॉपर डायबिटीज हो नहीं जाती, तब तक वो उन सिम्टम्स पे कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ना करें, पहले ही अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का। और मेरे तो पेज को भी आप देख लें, इंस्टाग्राम पेज को, हर चीज़ मैंने वहाँ पे बताई कि हेल्दी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, पीस वीस में क्या खाना चाहिए, मतलब एक हेल्दी नॉर्मल रूटीन को मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ। तो अगर आप वहीं से हेल्प ले लें, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर डाइट प्लान, इन अ प्रॉपर पैकेज, तो आप हेल्प ले सकते हैं। और हर तरह की गाइडेंस गूगल पर, या गूगल पर तो वैसे भी अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आखिरी चीज़ आ जाती है कि ईद के 3-4 दिनों में ऑफकोर्स ये बात है, आपका नॉर्मल इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका वेट स्केल पर भी वेट में फ्लक्चुएशन आएंगी, 2-4 केजी की फ्लक्चुएशन आएंगी। और वो इसलिए आएंगी बिकॉज आपका जब कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा होगा, तो हमारी बॉडी में टेंडेंसी होती है कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स 3 ग्राम्स ऑफ वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये टोटली वाटर वेट होगा, तो आप लोगों को इस पर परेशान नहीं होना। मुझे पता है मेरे काफ़ी क्लाइंट्स परेशान होंगे और मुझे मैसेज कर रहे होंगे कि मेरा 2 केजी बढ़ गया, मैं क्या करूँ। दैट्स टोटली वाटर वेट, ठीक है। अगर आपका ईद पे 3-4 केजी बढ़ भी जाता है तो वो वाटर वेट होगा, उस पर आपने परेशान नहीं होना। ऑफकोर्स बात है, आपका इंटेक ज़्यादा हुआ है, आपका कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, हर चीज़ का इंटेक ज़्यादा हुआ है, तो आपकी बॉडी का वाटर वेट इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन वो फैट वेट नहीं होगा। परेशान आपने तब होना था जब आपका फैट वेट इंक्रीज हो, ठीक है। फैट जो बॉडी का फैट होता है ना, वो इंक्रीज हो। लेकिन आपका अगर सिर्फ वाटर वेट इंक्रीज होता है, 2-3 दिनों के अंदर ही 2-3 केजी इंक्रीज होगी, तो वो वाटर वेट होता है, उस पर परेशान नहीं होना, ठीक है। लास्ट चीज कि बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको कोई डाइट प्लान नहीं बताया, मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताई, अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा। सो इट्स बेसिकली अ सम टाइप ऑफ स्मार्ट ईटिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ईद पर 3-4 दिन इसको कैसे मैनेज करना है। अगर आपके घर में कोई दावतें वगैरह भी हैं, या आपने भी कहीं जाना है, तो भी आपको पता होगा कि वहाँ पे जितना भी सामान होगा ना, डिशेज वगैरह होंगी, आपने उनको एक पोर्शन साइज में भूख रख कर खाना है। हर चीज़ को बहुत एक्सेसिवली ओवर ईट नहीं करना, ठीक है। बाकी ये है कि आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।